पहली बार कोई सब्सक्राइबर मिला जो कि ऐसे कह रहा है मैंने कल ही आपकी वीडियो डिसलाइक की थी। मैं क्यों करती डिसलाइक? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस सुबह के 10 बज रहे हैं और फिलहाल मैं तो रेडी हो गया हूँ। अभी साहिल तो अभी उठा है और लास्ट लोग में हम देखा होगा हम आए हुए हैं टिहरी डैम। तो आज हमारा प्लान है जाने का यहाँ से सीधा अपने गाँव कोसानी, जो ये काफ़ी दूर है, अराउंड 10 घंटे की ड्राइव है वो पहाड़ पे। तो अभी गाइस पता है हम कहाँ पे हैं? हमें बस स्टैंड के सामने, हमने होटल लिया बिल्कुल बस स्टैंड के सामने। यहाँ से सामने बस ही बस दिख रही है, पूरा बस स्टैंड दिख रहा है और बस स्टैंड में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखो, ये है बस स्टैंड, वहाँ पे काफ़ी सारी बस खड़ी है लेकिन बिल्कुल खाली, देखो बिल्कुल भी लोग ही नहीं यहाँ पे। और वो खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर, बाहर सब्सक्राइबर भी वेट कर रहे हैं। भाई आ रहा हूँ, रुको। भाई बाहर तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं, मैंने तो अभी देखा। भाई इनको पता कैसे चला? मैंने तो व्लॉग भी डाला, मैं तो व्लॉग भी 2 दिन बाद में डाला, पता नहीं कहाँ से खबर पहुँच जाती है। ये खुलता है क्या? अरे चीखो मत, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। रुको, इतना प्यार आप लोगों का, तो चलो चलते हैं बाहर और मिलते हैं सबसे। तो अभी साहिल और मैं जा रहे हैं नीचे, मैंने तो मुंह धो लिया था, साहिल ने तो मुंह भी धोया। एक काम करो, एक एक करके अंदर आके फोटो ले। हेलो भैया, तो गाइस इतने सारे सब्सक्राइबर आ गए थे, मतलब पता नहीं कैसे चला यार सबको, क्योंकि मैंने तो व्लॉग डाला ही नहीं, यहाँ का व्लॉग तो 2 दिन बाद आएगा। तो भी गाइस पैकिंग हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा हमारे गांव और आज आपको मिलवाते हैं अम्मा से, अम्मा गांव में ही है ना। तो भी गाइस चेकआउट कर दिया है और अब जा रहे हैं हम सीधा गाड़ी में, और कुछ और सब्सक्राइबर्स आए थे मिलने। हाय गाइस, यहाँ का बस स्टैंड में सबसे अच्छा लगा, देखो कितनी शांति है बस स्टैंड पे, लगी बस स्टैंड पे है। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं डैम पे, सामने देखो वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी लेके वहीं पे जा रहे हैं पानी के पास। तो अभी गाइस पहुँच गए, देखो कितनी मस्त सुंदर जगह है। तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और दिखाता हूँ आपको, भाई बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे चलते हैं। भाई कितना बड़ा डैम है देखना, मोटर बोट भी चल रही है, जेट स्की भी है और तैर भी रहे हैं। वहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है, वहीं पे चलते हैं। तो गाइस ये तो गए पैदल, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, बिकॉज गाड़ी ऊपर रखना सेफ भी नहीं है ना। वैसे बोटिंग वगैरह तो मेरा प्लान नहीं है, बिकॉज बोटिंग तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार गई हुई है। वो दोनों तो गए नीचे पैदल, लेकिन मेरे को तो सब चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है ना, गाड़ी कैमरा इसमें सबको सामान वामान पड़ा है, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। तो गाड़ी को नीचे ले चलते हैं, अब मैं अकेला हो गया हूँ। तो ये रास्ता है नीचे जाने का, इस गाड़ी के पीछे लगा देता हूँ। हाँ अब सही लगी गाड़ी, अब ठीक है पार्किंग। तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, सही है, सेफ है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग आ रखे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, देखना बहुत भीड़ होगी। तो यहाँ तो गाइस बहुत 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 ज़्यादा भीड़ हो रही है, 300-400 लोग हैं। तो मेरा तो कोई प्लान नहीं है बोटिंग वोटिंग करने का, बस देख लिया, अच्छा लग रहा है काफ़ी, अब चलेंगे यहाँ सीधा अपने गाँव। तो अभी सबसे पहले तो हम खा रहे हैं खीरे खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो अभी गाइस हम फिर से ऊपर आ गए हैं और गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो अब कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह लेते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ओ गाड़ी के ऊपर चढ़ गया साहिल। तो पहली बार कोई सब्सक्राइबर मिला जो कि ऐसे कह रहा है मैंने कल ही आपकी वीडियो डिसलाइक की थी। मैं क्यों करती डिसलाइक? अरे वैसे बोल रहा हूँ, मजाक। आप तो करी थी भाई, अरे कर दी भाई, जो बोला मन से बोला भाई, बताओ डिसलाइक क्यों करी? अरे मजाक कर रहा हूँ भैया, सही भी। अरे वैसे मुझे ले रहा था। आपने भी डिसलाइक करी थी? डिसलाइक क्या, मैं आपने भी 1 मिलियन से, मतलब 9K थे ना, तब से देख रहा हूँ भाई, बिलीव। हेलो, हमने ऐसे कहा ना, हमने ऐसे कह रहा ना कि 12 बजे हमें लगा कि हमने की आई, हम बताओ कहाँ से आए, 8 किलोमीटर मतलब। आपको बिलीव नहीं हो रहा, इससे कल फोटो देखी थी ना एक की, ये पागल होगी ऐसे चिल्लाई ना कि सारा जोशी मतलब इधर आ रखा है न्यूट्री में। मैंने गेस कर दिया था कि कल आप 12 बजे इधर आओगे, तो ऐसा था कि 12 क्योंकि ओटी पॉपुलर है, मुझे लगा कि 12 बजे आओगे और 12 बजे फिर हुआ, फिर हमने प्लान बनाया, फिर आ गए। स्कूल की फीस वाईफाई से वसूल कर रहे हैं। तभी गाइस फिलहाल निकलते हैं, यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है, देखो कितनी सारी गाड़ी आ रही है। हम अभी वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पे स्थित डैम पे हैं और उसी के बगल में रोड है जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। वही गाड़ी गिर जाए ना भाई, मिलेगी भी नहीं गाड़ी और हम भी नहीं मिलेंगे और ये ब्लॉग भी नहीं जाएगा। तो भी गाइस रुके हैं कहीं पे, कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो कुछ खा लेते हैं यार, दाल चावल वगैरह मिल जाए कुछ भी। तो भी गाइस हम आए यहाँ पे ढाबे पे, मस्त छोले चावल खाएंगे। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अरे थैंक यू सौरभ भाई, बंगाली लोग को बताते हैं भाई, ये सौरभ भाई है भाई। हमारे छोले चावल आ गए,
तो अभी गाइस फाइनली खा के आ गए हैं, मस्त मन को शांति मिल गई, अब चलते हैं सीधा। तो अभी गाइस पहुंच गए धारी देवी टेम्पल जहाँ कल गए थे ना, तो बैक साइड में है मेरे, तो यहाँ पे रुके हम गाड़ियाँ पार्क करें। 3 घंटे से बॉल कैसे हुए, 3 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, थक गया थोड़ा। तो नीचे हमारे अलकनंदा नदी, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लिया है बस। ये देखो यहाँ पे गुलेल बना रहे, गुलेल। तो भी गाइस 4 बजने वाले हैं, हम रात को ही पहुँचेंगे 9-10 बजे तक अपने गाँव। चलो ब्रेक हो गया, अब चलते हैं। तो भी गाइस रुके यहाँ रेस्टोरेंट में, सैल को वॉशरूम जाना था, तो इसी बहाने मैगी भी खा लेंगे। चलो इस थार को देखे ना, अपनी थार की याद आ रही है मुझे। हम लोग आगे निकल चुके थे। थार देखी हम, हाँ। थार हमारी नहीं है ये, नहीं मैंने आपको देखा और रेड थार दिखी, तो रेड थार है ना आपके पास। आधे घंटे ज्यादा हो गए मैगी ऑर्डर करे हुए, अभी तक उन्होंने मैगी नहीं दिया, तो हम तो जा रहे हैं वापस। वही आधा घंटा लगता है मैगी बनने में, कह रहे अभी और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, हमें कैंसिल ही करा दो यार। ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ, हमने कुछ ऑर्डर किया और हम बिना खाए जा रहे हैं, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, हमने कहा हम जा रहे हैं, बोले ठीक है। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मैं ही खाने का मन हो रहा था थोड़ी सी। तो भी गाइस एक और दिक्कत हो गई है, दो आदमी खड़े थे ना, उन्होंने बोला आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। तो गाइस आगे पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी हमको रोकनी पड़ी यहाँ पे, ऑलरेडी लेट है गाइस, अब तो पता नहीं कब रात को 12 बजे पहुंचेंगे हम अपने गाँव। भाई गांव काम चल रहा है आगे, क्या ही कर सकते हैं, हमको यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम फंसे हुए हैं रुद्रप्रयाग में, यहाँ से भी 4 घंटा दूर है हमारा गांव। तो गाइस फंस तो गए हैं, और ऊपर से बाहर तूफान और बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम तो गाड़ी में बैठ गए, बिकॉज ऊपर से पत्थर उत्थर गिर सकते हैं ना बारिश में तूफान में, तो गाड़ी में, तो गाड़ी में फिर भी सेफ रहेंगे, बस ज़्यादा बड़ा, अगर ज़्यादा बड़ा पत्थर ना गिरे तो, ज़्यादा बड़ा पत्थर गिरेगा फिर तो हम गाड़ी में भी सेफ नहीं है, बहुत खतरनाक तूफान चल रहा है बाहर, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये देखो यहाँ से कहीं से भी कुछ भी गिर सकता है, तो हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए कुछ लेके आए, क्या लेके आए हो? कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। तो फाइनली गाइस खुल गया है, वो पत्थर आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, बोनेट के ऊपर देख पत्थर ही पत्थर हैं, बहुत डर लग रहा है यार। तो भी गाइस हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। तो भी गाइस 89 किलोमीटर रहेगा, 3 घंटे ड्राइव करना है, और देखो अंधेरा हो चुका है और मून भी निकल चुका है, पूरा मून निकल चुका है भाई। 3 घंटे ऐसे ही ड्राइव करना है भाई, रोड खराब है यार, ओ भाई बिल्कुल पतली सी रोड है, आगे बंद तो नहीं है कहीं, सामने से गाड़ी आ रही है, इसका मतलब आगे सही है रोड। तो भी गाइस रात के 8 बज चुके हैं, अभी फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं, पता नहीं कहाँ पे रुके हैं, भूख लग रही थी, कुछ खा लेते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आगे जाएं या होटल लें, क्योंकि लेट हो रहे हैं ना, रात को ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, क्या करें। चलो चलते हो जहाँ तक, चलो चलो देखते हैं, अगर होटल मिलेगा तो होटल ले लेंगे। गाइस इतनी रात को भी किसी गाँव में हमको यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गया, देखो हम रुके थे यहाँ पे, सामने लाइट्स दिख रही है, चलते हैं वहीं पे देखते हैं कोई होटल मिलता है तो। तो भी गाइस रात के 10:20 हो चुके हैं और फाइनली हमको होटल मिल गया, अब मुझसे ड्राइव नहीं हो पाएगा, तो अब गांव तो मैं कल ही जाऊंगा, तो गाड़ियां पार्क कर दिया और ये रहा होटल, यहां हम पहले भी रुके थे, हमको लग रहा था कि गांव पहुंच जाएंगे लेकिन नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए, सामान निकाल लेते एक बार। तो गाइस पूरे 10:30 चुके हैं और फाइनली हमको होटल मिल गया, रिजॉर्ट मिल गया, तो ये वाला रूम है, और ये देखो रूम पूरा पूरा बैम्बू से है, पूरा वुडन वाला है, मतलब इवन बेड भी पूरा बैम्बू से है, तो हाँ सही मिल गया ना, जो दीवार है ना इसमें भी पूरा देखो बैम्बू बैम्बू है। तो गाइज आज हम गांव तो पहुंच नहीं पाए, तो सॉरी गाइज आज आपको अम्मा से और सबसे नहीं मिलवा पाऊंगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी काफी लेट हो गए थे, रात को पहाड़ पे ड्राइव करना रिस्क भी रहता है, तो इसलिए आज फिलहाल यहीं पे रुक गए, और मम्मी और पापा जी भी गांव में आ चुके हैं आज, तो फिलहाल कॉफी पीते हैं, मैंने कॉफी ऑर्डर की थी, तो फिलहाल अब कॉफी पीते हैं, बिकॉज अब एडिटिंग वगैरह भी करनी है ना, तो नींद नहीं आनी चाहिए, कॉफी पीते हैं फिर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी, साहिल अपनी, एंड शुभम अपनी। तो गाइस फिलहाल एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है और इस व्लॉग करता हूँ एंड, कल हम सुबह सुबह निकलेंगे अपने गांव के लिए, तो अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना मम्मी पापा और अम्मा से सबसे मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अरे आवाज बता रही यहाँ पे, तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच गए ये आवाज, talking to the night until the morning bill.